हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट नवंबर 2012 में जो हुआ था उसका सीडीपी सेक्शन, जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉजी, जो मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन बेसिकली। तो इनको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, जहाँ पर भी जरूरत होगी रिलेटेड थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है डीट प्लस बी के लिए भी, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो बहुत स्टैंडर्डाइज है क्वेश्चंस के हिसाब से। जब हम थियरीज पढ़ लेते हैं आसानी से और क्वेश्चंस हमसे नहीं निकलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से ज़्यादातर अलग है जो हम एक सिंपल प्रैक्टिस सेट में पढ़ते हैं। तो देखते हैं ये 30 क्वेश्चंस और स्टार्ट करेंगे, और आप ज़रूर बताएं ये 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि आपका क्या स्कोर रहा, कितने जो आपके आंसर्स थे वो सही थे, और बिल्कुल पता अवगत कराएं हमें आपके स्कोर से, और हमारे लर्नर्स को भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है होवर्ड गार्डनर के द्वारा जो दिया गया था 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड एक बुक थी जिसमें इन्होंने इसके बारे में बात की, और मल्टीपल इंटेलिजेंसेज 7 और 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज हम जानते हैं, और इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो आपकी इंटेलिजेंस है वो अलग अलग तरीकों से आप उसको देख सकते हो, अलग अलग तरीके यूज़ करके आप कोई किसी चीज़ में इंटेलिजेंट है। इन्होंने सभी को एक तरह से इंटेलिजेंट कहा, अगर समराइज़ करें चीज़ को, और देखते हैं इन्होंने कहा कि भाई इसमें से कौन सी जो बात है ये 4 ऑप्शंस में से गलत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के विरुद्ध है। तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि मतलब जो इंटेलिजेंस है वो एक फिक्स्ड सेट है या डेफिनेट सेट है, जो आपके ऑपरेशंस हैं, जो आपके काम हैं, वो आप एक फिक्स तरीके से कर सकते हैं और उसी तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस ये बात तो नहीं कहता। एटलीस्ट बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं सही हैं या नहीं। कि डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज, तो ये बात हमें बिल्कुल पता लगती है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से। इन्होंने कहा कि भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या जो अदर डिसिप्लिनस हैं, आप उनको अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है सेम वे में आप सबको पढ़ा रहे हो, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके या अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके आप पढ़ा सकते हो आसानी से, या एक जो नॉलेज है वो अपने प्रोवाइड करा सकते हो। लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स, जब आप सब अलग हैं, अलग तरह से इंटेलिजेंट हैं, तो जो आपकी लर्निंग है उसका असेसमेंट जो है, आकलन है, वो भी अलग तरीके से हो सकता है, वेराइटी ऑफ मीन्स से हो सकता है, वेराइटी ऑफ वेज में हो सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से अलग है, जो ईक्यू है आपका संवेगात्मक जो आपका इंटेलिजेंस है वो अलग है आपकी आईक्यू से। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल साथ में जाती हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के, बस फर्स्ट जो है वो गलत है, विरुद्ध है मल्टीपल इंटेलिजेंस MI के, क्योंकि गार्डनर ने ऐसा नहीं कहा कि जो फिक्स्ड है और एक पर्टिकुलर एक सेट होगा, फिक्स्ड सेट होगा, उसी तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75, मतलब एक बच्चा है 16 साल का, जो वास्तविक आयु है उसकी, जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 16 साल है, और जो उसका IQ स्कोर आता है वो 75 आता है, तो उसकी मेंटल एज बताइए। तो आपको पता है IQ का फॉर्मूला, आपका IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो जब आप ये IQ 75 इज इक्वल टू 16 अपॉन में, जो आपका मेंटल एज अपॉन में 16 इंटू 100 करेंगे, तो आपका 12 जो है रिजल्ट आ जाएगा, जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न, मतलब इनमें से कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट तरीका है मोटिवेट करने का एक लर्नर को, जो मोटिवेशन है उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है इनमें से कौन से एक तरीके के हिसाब से। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल्स, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं कि जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है आपके टारगेट्स तक पहुंचने का, वो आपको मोटिवेट ज़्यादा करेगा सीखने में, या फिर जो आपकी बाहरी अभिप्रेरणा है वो, या मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, मतलब ऐसा मोटिवेशन जो उसमें आप सिर्फ फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं, या जो फोर्थ ऑप्शन है कि टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल्स, कि मतलब आप या तो इजी गोल्स को चूज करते हैं या डिफिकल्ट गोल्स को। तीनों ही बातें बिल्कुल बेकार हैं, नकारात्मक हैं। जो आपका मोटिवेशन है वो बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन उसका आपके पर्सनल सेटिस्फैक्शन से होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा से आ रहा है ये आंसर। तो जो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, ये इंग्लिश में भी मदद कर सकता है कि भाई जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो है भाषा की जिसमें जो मीनिंगफुल है, कौन सी है? प्रैग्मेटिक्स, सिंटैक्स, मॉर्फीम या फोनीम, ये आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिट्स हैं, और जो आप सबसे छोटी यूनिट है बताइए कौन सी होती है। फोनीम जो है सबसे छोटी यूनिट है, जो साउंड का डिफरेंस क्रिएट कर देती है, स्मेल और स्मॉल बोलने में, या बहुत सारे ऐसे वर्ड जो साउंड का डिफरेंट
डिफरेंस जो है क्रिएट करते हैं, वो फोनीम जो है सबसे छोटी इकाई होगी। डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। आई क्यू स्कोर्स आर जनरली डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब जो आपके आई क्यू स्कोर्स हैं, जो आपका जो बुद्धि का परीक्षण है, वो जनरली सामान्य तौर पर आप उनको कोरिलेट कर देते हो, जोड़ देते हो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से, पढ़ाई से। तो ये बात कितनी किस हद तक सही है, लीस्ट परफॉर्मेंस या परफेक्टली, हाईली या मॉडरेटली। तो जो आप जोड़ते हैं जनरली सामान्य तौर पर, ये मॉडरेटली जोड़ा जाता है, एक एक्सटेंट तक, एक हद तक खूब जोड़ा जाता है जो आपके आई क्यू स्कोर्स हैं उनको आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस से। तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो सक्सेसफुल इंक्लूजन है, मतलब जो इंक्लूजन क्या है, इंक्लूसिव जो आपकी एजुकेशन है जिसमें आप इंक्लूड करते हो सभी को, सम्मिलित करते हो, तो इसमें सारी बातें ठीक हैं, रिक्वायर करती है, लेकिन कौन सी एक बात है जो गलत है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स बिल्कुल कर सकते हो आप, इन्वॉल्व पेरेंट्स को इंक्लूजन कर रहे हो क्योंकि आप समावेशीकरण कर रहे हो। कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजिंग या सेग्रीगेशन, तीनों ही बातें जोड़ने की बात कर रही हैं और हम इंक्लूजन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जोड़ने की बात करेगी तो बिल्कुल सही होगी, लेकिन सेग्रीगेशन क्या है, अलगाव की बात कर रहा है। तो ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो एक्सेप्ट है या नॉट है, यही जो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का ही खेल है इन क्वेश्चन में। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, मतलब इनमें से कौन सा एक तरीका है जिससे आप उन बच्चों को जो एक डेप्राइव्ड वर्ग से आ रहे हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हो कि वो स्कूल जो है रेगुलरली अटेंड करें। तो आप चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड, जो आप एक एम्प्लॉय लगा देंगे, एक बंदा हायर कर लेंगे जो उन्हें घर से लेकर के आए रोज, या फिर उन्हें ₹5 डेली देंगे ताकि वो अट्रैक्ट हो जाएं, या फिर रेजिडेंशियल स्कूल्स जहाँ पर वो वहीं रहें और वहीं पढ़ें, ऐसे स्कूल्स को ओपन कर देंगे, या नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, या जो आप जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उसको आप एक पनिशेबल ऑफेंस बना देंगे, क्रिमिनल बना देंगे उसको बेसिकली। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा कि अगर आपको उनकी जो बेहतरी के लिए जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में अटेंड कराना है रेगुलरली, तो क्या किया जाए। तो जो ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, बोर्डिंग स्कूल्स टाइप्स, इनको आप खोल दो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है इन चार ऑप्शंस में से। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ स्कूल मे बी, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो आपका जेंडर के बेसिस पर आप जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो स्कूल में। तो फॉर्मेशन ऑफ अ रूल टू शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, के एक रूल बना दो कि भाई जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा स्ट्रिक्टली, तो ये रूल्स तो हैं ही इस पर, ऐसा तो कुछ है नहीं। सेलेक्शन ऑफ मोर बॉयज देन गर्ल्स, जो लड़के हैं या बॉयज हैं उनको ज़्यादा इंक्लूड करो म्यूजिक कॉम्पिटिशन के लिए और गर्ल्स को नहीं, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस्ड बिहेवियर्स बाय टीचर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स। देखिए यहाँ पर ये जो आंसर है ये बहुत आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है कि आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर बराबर मेल और फीमेल टीचर हैं। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस्ड बिहेवियर्स, कि अगर टीचर, मेटाकॉग्निशन क्या है, परासंज्ञान है एक तरह से, कि मतलब आपका ज्ञान के ऊपर ज्ञान या थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये आप देख सकते हैं। तो आप खुद पर सोचें, अपनी खुद की सोच में सोचें, अपने संज्ञान में सोचें कि आप तो कुछ ऐसा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं या बिहेवियर ऐसा नहीं हो रहा है आसपास जो जेंडर बायस्ड हो। इस चीज़ पर ध्यान देना, इस चीज़ का संज्ञान होना ये बहुत बड़ी बात है, और इसी तरह से इसको कम किया जा सकता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कर रहे हैं या आपका संज्ञान में ही नहीं है वो चीज़, आप नॉर्मल मान रहे हैं, तो फिर आप कभी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। जो सी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं, नॉन असर्टिव होते हैं अपनी नीड्स के प्रति, इंडिपेंडेंट होते हैं अपने जजमेंट्स में, इंडिपेंडेंट होते हैं टीचर्स से, या इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर में। तो जो ये तीनों ही बातें बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं कौन सा आंसर होगा इसका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट होते हैं अपने जजमेंट में, निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। द स्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलास्टिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलास्टिक एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज, मतलब जो आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाएगी, इस बात को आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो। तो अगर एक जो कंक्लूजन निकाला जा सकता है इस चीज़ से, वो ये भी निकाला जा सकता है कि जो हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो ये बात आप कह सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे कि किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो, सही साबित करोगे। तो ये जो एक इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ, मतलब एक पॉलिसी को फॉलो करता है जिसमें आप मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स के बारे में डिस्क्रिमिनेशन को कॉम्पनसेट कर लेते हो, बिल्कुल बेकार का ऑप्शन है। इट एनश्योर्स यूनिवर्सल रिटेंशन, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें, जरूरी नहीं है जो लंबी लाइन है वही आंसर होगी। इट एनश्योर्स यूनिवर्सल रिटेंशन, कि जो सभी यूनिवर्सल सार्वभौमिक जो रिटेंशन है उसको बनाता है। इट डिवेलप्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, कि मैनुअल लेबर जो काम है उसको ये रिस्पेक्ट डेवलप करा रहा है।
या इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल आप बिल्कुल आंख बंद करके देख सकते हैं कि जो एकदम सही आंसर होगा आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के हिसाब से भी वो डी ही होगा, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पर आप ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं, जो आपकी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आप स्केल कर सकती हैं, परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली डिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेट टू टेक प्लेस। जो आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जिस पर स्टर्नबर्ग ने भी काम किया बेसिकली, तो इसमें कौन से स्टेप पहले आते हैं, कौन से आगे, कौन से पीछे, तो ये आपको पढ़ना भी पड़ेगी पूरी जो थ्योरी है थोड़ी सी। तो इसमें कौन सा स्टेप पहले आएगा, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन होगा पहले या रिस्पॉन्स सेलेक्शन होगा, प्री प्रोसेसिंग होगा, कैटेगराइजेशन होगा। देखिए ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है कि रिस्पॉन्स का सिलेक्शन ही होगा पहले, एग्जीक्यूट तो आप बाद में करोगे। तो ये तो वैसे आप मतलब इसको आप एलिमिनेट करके देख सकते हो कि जहाँ पर भी इससे पहले बी ऑप्शन से पहले ए ऑप्शन हो तो वो गलत होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहले वैसे प्री प्रोसेसिंग होती है, देन आपका कैटेगराइजेशन होता है, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन होगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर ही शी इज सफरिंग फ्रॉम। मतलब सीधी बात है, ये क्वेश्चन डिसलेक्सिया पर बनता ही है कि जो अगर सॉ को वो वॉज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, मतलब उल्टा पढ़ रहा है। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं हम डिस्कस कर चुके हैं सारी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ऊपर आई बटन में। तो डिसलेक्समिया, डिसमॉर्फिया, डिसलेक्सिया या वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर है, तो ये डिसलेक्सिया है जो पठन संबंधी विकार है आपका। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो सीखने संबंधी विकार हैं, वो ज़्यादातर सामान्य तौर पर मिलते हैं कहाँ, मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे ज़्यादा, और अर्बन क्षेत्र में कम। तो बिल्कुल गलत है, जहाँ पर भी ऐसा स्टीरियोटाइप्स कुछ भी ऐसा होगा वो तो हो ही नहीं सकता। इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स, मतलब जो पैतृक जो उनके रिलेटिव हैं अगर उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही है तो उन बच्चों में ज़्यादा चांसेस हैं ये रोग कहें या डिसेबिलिटी विकार होने के। इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर आई को, आई क्यू से इसका कोई संबंध नहीं है। मोर ऑफन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स, जो बॉयज़ में ज़्यादा होगा गर्ल्स से, बिल्कुल गलत है। जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही बात है कि जो अगर पैटर्नल रिलेटिव्स में या कहें तो हेरिडिटी का यहाँ पर सिद्धांत आ जाता है, तो जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज द मोस्ट इन टीचर्स। जो एक एम्पावरिंग स्कूल है, जो एक बढ़ावा देता है टीचर्स को, एम्पावर कर रहा है, वो कौन सी क्वालिटी को प्रमोट करेगा एक टीचर में, टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट कर पाए, मेमरी, डिसिप्लिन नेचर हो, या कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड हो। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड है, आप कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड रखते हैं, एप्टीट्यूड है क्या, अभिक्षमता है क्या, बेसिकली जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी स्किल है, जो आपका एटीट्यूड है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपका एप्टीट्यूड बनता है। तो जो डी आंसर है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस, जो आपके किशोरावस्था के जो बालक हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव होगा उन्हें किस चीज़ का, सेल्फ एक्चुलाइजेशन पर पहुंच जाएंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। सेल्फ एक्चुलाइजेशन जो है हाईएस्ट लेवल है, तो एडोलेसेंट में किशोरावस्था में तो कोई पहुंचने से रहा, फीलिंग ऑफ सैचुएशन अबाउट लाइफ, के बस मन भर जाएगा जीने से, एक सैचुएशन पॉइंट आ गया, सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, तो ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, जो एंजाइटी है, जो तनाव एवं तूफान की अवस्था, जैसा कि स्टैनली हॉल ने भी कहा है, और फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, ये बेकार की बातें हैं। ये जो एंजाइटी एंड कंसर्न है, जहाँ पर भी इस तरह का आंसर आपको दिखे, जो भी तनाव और तूफान को लेकर के हो, एक अनईजीनेस को लेकर हो एडोलसेंट से रिलेटेड, वो सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, मतलब जिनको हड्डी से कुछ प्रॉब्लम है, बेसिकली कहें तो अस्थि रिलेटेड कुछ समस्या है, तो उनको जरूरी है, एक संभावना है होने की डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थाइमिया, डिस्कैल्कुलिया। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आप। डिस्लेक्सिया आपका पठन संबंधी होता है, डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधी होता है। तो अगर बात है कुछ कोऑर्डिनेशन की, अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, आपकी अस्थियों में कुछ प्रॉब्लम है, तो जो डिस्ग्राफिया है वो होने की संभावना ज़्यादा है बाकी सबसे। क्वेश्चन नंबर 17, पार्शियल रीइन्फोर्समेंट, जो आपका रीइन्फोर्समेंट का आपने पढ़ा भी होगा, जो इस पर काम किया आपके स्किनर ने, तो जो पार्शियल रीइन्फोर्समेंट है, मतलब कभी दिया कभी नहीं, थोड़ा दिया ज़्यादा दिया, उसमें क्या बेहतर है, वर्क्स बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स, एनिमल्स को ट्रेन करने में बहुत बढ़िया है, या फिर इज मोर इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूस रीइन्फोर्समेंट, लेस इफेक्टिव है लगातार रीइन्फोर्समेंट देने से, या कैन नॉट बी अप्लाइड। तो मोर इफेक्टिव होगा कि कभी मिला कभी नहीं, अगर आप कॉन्टिन्यूसली देंगे तो फिर वो एकदम सेसिएशन पॉइंट आ जाएगा, मज़ा नहीं रहेगा उस चीज़ का। जो बी ऑप्शन है बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोस्की's थियरी इम्प्लाइज, जो वाइगोस्की की थियरी है, जो कहती है कि भाई बच्चा जो है बड़ों से सीखता है, अपने आसपास से सीखता है, एक जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जो उससे बड़ा है उससे सीखता है,
तो ये कौन सा जो ऑप्शन है राइट होगा, चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग आईक्यू लेसर देन, मतलब एक बच्चा बेहतर सीखेगा जहां पर उससे कम आईक्यू के बच्चे होंगे, बिल्कुल गलत बात है। और कोलैबोरेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल सही है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब मिल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे जहां पर चार लोग, तो जो समाज से सीखता है जैसा कि वैगोस्की कहते ही हैं, तो ये जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। आगे चलेंगे, मोनिका मैथ्स टीचर आस्क्स राधिका, शी क्विकली मूव्स ऑन, मतलब एक मोनिका जो है एक मैथ्स टीचर हैं, उन्होंने एक कोई स्टूडेंट है राधिका उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, और जैसे ही वो आंसर नहीं दे पाई या दे रही थी उस टाइम पर ही जल्दी से एक और स्टूडेंट को खड़ा किया, मोहन को, और उससे क्वेश्चन पूछा, और जब मोहन जो है क्वेश्चन नहीं बता पा रहा था तो उसकी मदद कर दी। तो ये क्या दर्शाता है, सीधी सी बात है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप दर्शाता है, जो आपका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो जेंडर बेसिस पे, वो दिखा रहा है ये कि आपने एक मेल को, या मतलब जो आपका बॉय स्टूडेंट था उसको आपने मदद कर दी, और जो एक अदर आपकी स्टूडेंट थी दूसरे जेंडर की उसको आपने एक मौका भी नहीं दिया। तो जो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए आकलन, और जो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है मतलब जो आपने सीखा उसका आकलन आप कर रहे हो, असेसमेंट उसका कर रहे हो। तो यहाँ पर जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसके अंदर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता है, जिसमें आपके आगे आप क्या सीखोगे उस चीज़ के लिए असेसमेंट हो रहा है। तो मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टूडेंट्स, या नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आंसर आप सोचें। तो नीड्स ऑफ स्टूडेंट जो है इसका राइट आंसर होगा। फटाफट से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इमोशनली, बेसिकली ये कहता है कि एक आइडेंटिकल ट्विन्स, दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक आइडेंटिकल एक फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल ट्विन्स कौन से होते हैं, जो सेम सेक्स के होते हैं और सेम सेक्स के होंगे और सेम एग से फर्टिलाइज होंगे, अगर आपने हेरिडिटी थोड़ा सा पढ़ा है तो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इस बारे में। तो एक ये बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो सिस्टर्स हैं और उनको एक एक सिस्टर किसी ने अडॉप्ट कर लिया, और तो उनके जो आईक्यू स्कोर में कुछ डिफरेंट होगा, डिफरेंस कुछ या नहीं होगा, आईक्यू स्कोर सेम रहेंगे। तो ये हमें पता है आईक्यू स्कोर बेसिकली जो आईक्यू है एक स्टैटिक, ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं कि सेम ही रहता है, तो आईक्यू स्कोर का फर्क जो है इकोनॉमिक लेवल से नहीं पड़ने वाला। तो जो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उस कौन सा एक बेहतर एग्जाम्पल होगा, क्लाइंबिंग, होपिंग, रनिंग, राइटिंग। तो जो फाइन मोटर स्किल्स हैं आपकी, बहुत जो छोटी छोटी मसल्स हैं उनका यूज करके, कोऑर्डिनेशन करके काम में आती हैं, तो इन चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि राइटिंग जो है इसमें सबसे छोटी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है नीचे बताइएगा किसने दी है, और इसमें कौन सा एक हॉलमार्क है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका एक फीचर क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल, सिर्फ एक टॉपिक पर बेस्ड होती है, प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, तो गलत बात है। देर इज एन इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक हिंट दी जाती है प्रॉब्लम में, या प्रॉब्लम इज ओरिजिनल, जो प्रॉब्लम है वो ओरिजिनल होगी, इमेजिनरी नहीं होगी। देर इज यूजली वन अप्रोच फॉर गेटिंग द राइट आंसर, जो सिर्फ एक ही अप्रोच होगा सही आंसर तक पहुंचने का। तो यहाँ पर हिंट दी जाती है, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे मेथड्स को, तब ये क्लियर हो जाएगा। तो एक छुपी हुई हिंट दी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आंसर तक पहुंचने के लिए। तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन, जो बच्चे गलतियां करते हैं उसके बारे में, क्या इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है सही है। तो करेक्टिंग एवरी एरर वुड टेक टू मच टाइम, कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप हर एक एरर को ठीक करने लग गए तो, बिल्कुल गलत है ऐसा, तो मतलब ये आप अपने काम से भागने वाली बात है एक टीचर की। एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्व्स, देयरफॉर अ टीचर शुड, मतलब बच्चे अपने आप सही कर लेंगे अपनी गलतियों को, टीचर की जरूरत ही नहीं है। तो ये आंसर भी होने से रहा। इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू करेक्ट ऑल एरर्स इन द क्लासरूम, इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन हैज फेल्ड, अगर एक जो अध्यापक है अपने जो क्लासरूम में जो परेशानियां हैं, एरर्स हैं जो बच्चे कमिट कर रहे हैं, अगर उसको सही नहीं कर पा रहा है, सारे एरर्स को हटा नहीं पा रहा है, तो वो एक तरह से एजुकेशन का जो आपका सिस्टम है, या टीचर एजुकेशन का जो सिस्टम है जहाँ पर एक अध्यापक शिक्षण कर रहा है, वो फेल हो रहा है। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। और टाइम कंज्यूमिंग है थोड़े क्वेश्चन, क्योंकि लेंदी है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, इन ऑर्डर टू इंस्टिल अ पॉजिटिव एनवायरमेंट इन अ प्राइमरी क्लास, अ टीचर शुड, मतलब आप अगर पॉजिटिव एक सकारात्मक एनवायरमेंट आप अगर इंस्टिल करना चाह रहे हैं प्राइमरी क्लास में, छोटी क्लासेस में, तो क्या करना चाहिए। स्टोरीज सुनाओ उनको पॉजिटिव एंडिंग्स के साथ, कि हमेशा अच्छी एंडिंग हो, एक फेरी टेल सुनाओगे, या फिर विश ईच चाइल्ड इन दी मॉर्निंग के आप गुड मॉर्निंग या कुछ इस तरह का सुबह सुबह जाकर के उनको ग्रीट करोगे, या फिर नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड।
तो क्या करोगे? मतलब भाई आपका जो, आप एक तो डिस्क्रिमिनेशन से आप बच के रहोगे कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करो किसी भी हालत में, और जो सेम गोल है हर एक बच्चे के लिए, मतलब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे बेसिकली. तो जी, जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा. आगे चलेंगे 26 क्वेश्चन नंबर पर. वाइल सेलेक्टिंग मटीरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स, डैश ऑफ डैश शुड बी देयर. मतलब आप पोर्टफोलियो के लिए जब मटीरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो आप जानते हैं जिसमें बहुत सारी डिटेल्स एक स्टूडेंट की ली जाती हैं, तो इसमें क्या करोगे आप? इंक्लूजन करोगे स्टूडेंट्स का, मतलब बच्चों को इंक्लूड करोगे. ये ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर तरीके से जो आपका मटीरियल है वो कलेक्ट कर पाओगे पोर्टफोलियो के लिए. क्वेश्चन नंबर 27, विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद इन अ नर्सरी क्लास. नर्सरी क्लास में आप कौन से बेस्ट थीम को चुन सकते हो? बेसिकली जब बच्चा पहली बार घर से निकल करके आ रहा है, तो बेस्ट फ्रेंड, नेबरहुड, स्कूल या फैमिली, तो ये तीनों चीज़ें बाद में होंगी. उसके लिए जो सबसे ज़्यादा पास में है वो उसकी फैमिली है अभी तक, क्योंकि वो अभी जो है सोशलाइजेशन उसका स्टार्ट हो रहा है स्कूल में आकर के. उससे पहले जो फर्स्ट आप जानते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ हुआ, फैमिली में, तो वो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ भी वहीं से है. जो टॉपिक होगा वो डी होगा, सबसे पहले आप उसी के बारे में बात करेंगे, तो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 28, लर्नर्स हु डेमोन्स्ट्रेट एन अर्नेस्ट डिजायर फॉर इंक्रीज्ड नॉलेज एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंस आर सेड टू हैव अ. मतलब जो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे सीखने वाले लर्नर्स जिनका जो इंक्रीज नॉलेज की जो डिजायर है और एकेडमिक कॉम्पिटेंस भी है, जो एक बेहतर करने की एक दूसरे से, तो ये जो चाह है ये कौन से वाले स्टूडेंट्स होंगे? वर्क अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वर्क अवॉइड करने वाले होंगे. मास्टरी ओरिएंटेशन हो सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, या फिर परफॉर्मेंस अवॉइडेंस. तो ये जो फर्स्ट और जो लास्ट जो ऑप्शन है वो ऐसे ही हट जाते हैं. अवॉइडेंस का तो कोई बात ही नहीं है, जब जो किसी में चाह है या कॉम्पिटेंस लेवल ज़्यादा है. मास्टरी ओरिएंटेशन भी नहीं होगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होगा. मास्टरी में क्या होता है कि आप दूसरों को नहीं देखते, आपको कॉम्पिटिशन से कोई मतलब नहीं है, आप मास्टरी गेन करना चाहते हैं किसी चीज़ पर. लेकिन परफॉर्मेंस अप्रोच में आप कॉम्पिटेंस दिखाते हैं, दूसरों से बेहतर करना चाहते हैं. जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा. लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इन क्वेश्चंस की. क्वेश्चन नंबर 29, अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, आप उसको एक फन बना सकते हो, मजेदार बना सकते हो. कैसे? सिर्फ एक ऑप्शन आपको निकालना है जो कि गलत है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में है. जो प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, बिल्कुल ठीक है, आप उनको ओपन एंडेड मटेरियल दोगे, सोचने का अलग अलग मौका दोगे. गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, ठीक है. प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है. एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स से कि वो हमेशा सही होंगे, और जो जितना आपको आता है उतना ही उन्हें आता होगा. तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 30 आज के लिए लास्ट. ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन. इंटर डिसिप्लिनरी जो इंस्ट्रक्शन है वो है क्या? कि आप जो एक सब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पढ़ा रहे हो, या आप जो बेसिकली जो टॉपिक्स हैं या कुछ अलग चीज़ें हैं वहाँ पर आप जोड़ ले रहे हो चीज़ों को साथ में, तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं. टीचर्स आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेल्म बाय दी, मतलब के लोगों को मज़ा नहीं आएगा टीचर्स को, गलत है. स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू डिवेलप अ डिसलाइक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है. टीचर्स आर परमिटेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग लेसन्स एंड एक्टिविटीज़. स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्न नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट. देखो तीनों ही बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो बेस्ट होगा वो आपका यही होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर बच्चों को क्या होगा, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नई नई चीज़ों को जो उन्होंने सीखा है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर पाएंगे. जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा. बहुत ही लेंदी सा लेसन था, बट जो लैंग्वेज है आप अगर पढ़ेंगे खुद भी इन क्वेश्चंस को तो आपको पता लगेगा बहुत एक बेहतर लैंग्वेज है. इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब एग्जामिनर चाहता है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए. तो आई होप जो आपका आज का लेसन था वो आपको पसंद आया होगा. ये क्वेश्चंस बेसिकली डिस्कशन हुआ है, बहुत जल्दी में हुआ है कई क्वेश्चंस का. तो जो जैसा भी लगा हो आपको, आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी सलाह हो, जो भी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और अगर पसंद आया हो जो आपका पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन है, तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ.